गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अंजू, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम अभिराज वर्ल्ड स्कूल। वेलकम टू ऑल। हाउ आर यू स्टूडेंट? फाइन, वेरी गुड। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन द लास्ट लीफ। ओके, हमने अपनी प्रीवियस जो क्लासेस में हमारे टू लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने लेसन स्टार्ट किया था, और आपको लगभग अब इसी स्टोरी के बारे में पता भी चल गया होगा, है ना। तो अपनी लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग अपना पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर पढ़ा क्या था। तो देयर वर टू आर्टिस्ट, जॉन्सी एंड सीयू। ऑल ऑफ यू न्यू दैट, इसे हम दो आर्टिस्ट की बात हो रही है। वन इज जॉन्सी एंड द अनदर वन इज सीयू, है ना, देवी के फ्रेंड। आफ्टर द मीटिंग दे वर शेयर्ड एन अपार्टमेंट। उन्होंने एक अपार्टमेंट भी शेयर कर रखा था बेटा, है ना, एक रेंटेड उन्होंने रूम ले रखा था, और वो रेंट एक ही रेंटेड रूम में वो रहते थे, और हाफ हाफ जो है वो शेयरिंग करते थे रेंट की। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि उस समय जो स्ट्रगलिंग थी उनकी, किसके लिए, वहां पर रहने की। जाहिर सी बात है कि किसी नई जगह पर जब आप जाते हैं, रहते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं रिगार्डिंग वहां पर रहने की, अबाउट जॉब, सब कुछ। और जो एक आर्टिस्ट लोग होते हैं, आर्टिस्ट आप जानते ही हैं, है ना, जो आर्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उनको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो आर्ट बनाई है किसी चीज के ऊपर वो उनकी जो है वो बिके, सोल्ड। ओके, तो उन्होंने काफी प्रॉब्लम जो उनकी फेस हो रही थी, तो उनको रिगार्डिंग उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि वो सिंगल रूम लेंगे, हाफ हाफ शेयरिंग हो जाएगी, जिससे उनके ऊपर ज्यादा रेंट का भार नहीं आएगा। हुआ क्या था फिर, वन डे जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। एक बार जॉन्सी को क्या हो गया था, निमोनिया। ओनली द विलिंगनेस टू लिव कुड क्योर हर। केवल उसको जो है क्या चीज ठीक कर सकती थी, विलिंगनेस टू लिव। विलिंगनेस टू लिव किस क्या होता बेटा, जीने की इच्छा। क्योंकि उसने अपने अंदर जो है वो जीने की इच्छा पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, एंड शी मेड हर माइंड दैट वन डे शी विल डाई। और एक दिन जो है वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। शी मेड हर माइंड दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू गेट वेल एंड वन डे शी विल डाई, है ना, वो ठीक नहीं होगी और एक दिन क्या हो जाएगी, मर जाएगी। द डॉक्टर सेड दैट इफ शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव। फिर डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर जो है वो उसके अंदर जीने की जो इच्छा है वो अगर खत्म हो जाती है तो क्या होगा, मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर। तो मेडिसिन भी जो है उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी, है ना। जितनी भी अच्छी हम मेडिसिन देंगे वो मेडिसिन उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी अगर उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं है तो। सो हर फ्रेंड्स यू ट्राई टू मेक हर हैप्पी। तो फिर जो उसकी फ्रेंड थी सीयू, है ना, उसने सोचा कि अब इसको हर तरीके से क्या रखा जाए, हैप्पी रखा जाए। जो माहौल है आसपास का वो कैसा रखा जाए, हैप्पी रखा जाए, ताकि क्या हो, वो खुश रहे और जल्दी से जल्दी उसकी जो है डिजीज जो भी है वो रिकवरी हो और वो ठीक हो जाए। ये हमने अपनी पहली प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने देखा था। तो लेट स्टार्ट, उसके आगे देखते हैं बेटा क्या है। शी अरेंज्ड हर बोर्ड एंड बिगन टू पेन एंड इन ड्रॉइंग टू इलस्ट्रेट अ मैगजीन स्टोरी। तो उसने क्या किया कि उसने अपना जो ड्रॉइंग बोर्ड है वो वहां पर उसके रूम में रख दिया था, ठीक है, पेन इंक जो भी इसके आर्ट के लिए जरूरत थी वो सारी चीजें उसने जो है अपनी लेकर आती है। और किस चीज के लिए, एक मैगजीन स्टोरी के लिए वो एक आर्ट बनाती थी। यंग आर्टिस्ट मस्ट पेव देयर वे टू आर्ट बाय ड्रॉइंग पिक्चर्स फॉर मैगजीन स्टोरीज। जो यंग आर्टिस्ट होते हैं ना, जो जिन्होंने शुरुआत करी है अभी आर्ट की, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो किसके लिए पिक्चर्स बनाते हैं, मैगजीन्स के लिए। देट यंग ऑथर्स राइट टू पेव देयर वे टू लिटरेचर। और यंग जो ऑथर्स हैं वो किसके लिए लिखते हैं, लिटरेचर, साहित्य। एज यू वॉज स्केचिंग अ पेयर ऑफ एलिजेंट हाउस शो राइडिंग ट्राउजर्स एंड अ मोनोकल ऑफ द फिगर ऑफ द हीरो। अब शू जो है वो किस चीज की पेंटिंग जो है वो स्केचिंग तैयार कर रही थी, वो एक एलिजेंट। एलिजेंट किसके होते बेटा, गुड लुकिंग, ठीक है, हॉर्स शो राइडिंग जो आपका कैंडिडेट था उसकी वो पिक्चर बनाती है। मोनोकल ऑफ द फिगर ऑफ द हीरो। अब वो जो आपका जो हीरो है, ठीक है,
ठीक है, वो क्या है? ओके, इट अ कॉबॉय, वो एक चरवाहा है। अ हर्ड ऑफ अ लो साउंड, शी हर्ड अ लॉट साउंड सेवरल टाइम्स रिपीटेड। अब वो रूम के अंदर एक बहुत ही धीरे सी आवाज सुनती है और वो आवाज जो है वो बेटा बार 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 क्या होती है, रिपीट होती है। शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, तो फिर जहां जोन सी लेटी हुई थी वो वहां पर जाती है। जोनसी आईज वर ओपन वाइड, अब जोनसी के जो आईज है वो खुली हुई थी। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैकवर्ड्स, अब जोनसी क्या कर रही थी, वो विंडो के बाहर देख रही थी और काउंटिंग कर रही थी। 12 शी सेड एंड लेटर लिटिल लेटर 11 एंड देन 10 एंड 9 एंड देन 8 एंड 7 ऑलमोस्ट टुगेदर, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी वो 12 11 10 9 8 like 7 like that, okay? She looked solitarily out of the window. अब solitarily means होता है कि बहुत ही ऐसे चिंता के रूप में, जाहिर सी बात है आप बाहर देखो काउंटिंग थोड़ी ना करोगे, बैकवर्ड काउंटिंग करोगे आप, तो जाहिर सी बात है उसको जो है वो चिंतित हो जाती है, वरिड हो जाती है कि कर क्या रही है दोनों से, तो वो भी जो है चिंतित वरिडली जो है वो बाहर देखती है कि क्या बात है। What was there to count? क्या है वहां काउंट करने के लिए? There was only a bed, खाली है, वहां तो कुछ है ही नहीं, बेड में क्या होता है, खाली। Dreary yard to be seen, एक gloomy मतलब एक सुनसान सी जो है एक आंगन से नजर आ रहा है। The blank side of the big house 20 feet away, अब कहते हैं जब खाली जो जगह थी उसके बगल में जो है एक ईंटों की क्या थी दीवार 20 फीट अवे दूर। एन ओल्ड ओल्ड आईवी वाइन, अब उसके ऊपर जो थी आईवी क्रीपर, आईवी क्रीपर मीन्स क्या होता है, आईवी का जो था वो बेल उस पे थी। नॉल्ड एंड डिकेड एट द रूट्स, वो मुड़ी हुई थी, नॉल्ड मीन्स क्या होता है, ट्विस्टेड मुड़ी हुई थी, एंड डिकेड डिकेड मीन्स होता है रोटन सड़ी हुई थी, एक बेल थी। क्लाइंब हाफ वे ऑफ द ब्रिक वॉल, आधी चढ़ी हुई थी दीवार पे, जो ब्रिक वॉल थी उस पर वो आधी चढ़ी हुई थी। द कोल्ड ब्रीज ऑफ ऑटम हैड स्ट्राइकिंग इट्स लीव फ्रॉम द वाइन एंड इट्स स्केल्टन ब्रांचेस क्लंग, अब जो ठंडी हवा चल रही थी वो उसकी पत्तों को जो है वो क्या कर रही थी, प्रहार कर रही, उसको गिराने की जो है कोशिश, चोट पहुंचा रही थी। और जो वाइन है, जो बेल है, वो एक स्केल्टन की तरह हड्डी नहीं होती है आपकी, है ना, स्टेच्यू जो होता है आपका हड्डियों का, ओके, उसकी तरह वो ब्रांच जो है चिपकी हुई थी किसके वॉल पे, ऑलमोस्ट बेयर बिल्कुल खाली थी, मतलब पत्ते जो है ऑलमोस्ट उसमें से झड़ चुके थे। टू द क्रैम्बलिंग ब्रिक्स, टूटी हुई जो है वो ईंटों पे। व्हाट इज इट डियर, आस्क्ड स्यू, अब स्यू पूछती है कि ये सब क्या है। सिक्स सेड जोनसी, अब सेवन तक काउंटिंग होगी ना बैक वाली, तो अब किस पे आती है वो सेवन, सिक्स, इट ऑलमोस्ट अब दिस पर कहती हाँ धीरे से बोलती है कि सिक्स ही हो। देयर आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब ये बहुत तेजी से जो है वो गिर रही है, क्या लीव्स। थ्री डेज एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100, कहते हैं कि थ्री डेज पहले ये कितनी थी, ये ऑलमोस्ट 100 थी। इट मेड माई हेड एक टू काउंट देम, कहते हैं इसने मेरे सिर में दर्द कर दिया, जो मैं इसको काउंट कर रही हूँ इसमें सिर में दर्द हो रहा है, बट नाउ इट्स इजी, लेकिन अब ठीक है। देयर्स गोर अनदर वन, लो दूसरी वाली जो नेक्स्ट थी पत्ती वो भी गिर गई। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब कितनी बच रही है, केवल 5 जो है लीव्स उस क्रीपर पर, है ना, उस वाइन पे, उस बेल के ऊपर बची हुई है। 5 व्हाट डियर टेल यू सुडी, अब सुडी जो है प्यार से बोलते हैं अपने दोस्तों को, है ना, जो लड़कियां होती हैं उनको कहते हैं कि अब क्या है ये 5, व्हाट इज दिस, लीव्स ऑन द आईवी वाइन, कहते पत्तियां इस आईवी वाइन की, ये जो आईवी क्रीपर है, ये जो आईवी बेल है इसकी पत्तियां। When the last one falls, I must go. अब मैं वो कह रहा, she made her mind कि अब लास्ट पत्ती भी अगर गिर गई, she will die, वो मर जाएगी। I have known that for 3 days I didn't the doctor tell you. कहते हैं मुझे तो 3 दिनों से ही पता था। Okay? Didn't the doctor tell you? क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया? Oh,
मैग्निफिशेंट स्कोर, बड़े ही घृणा के रूप से वो उससे कहती है कि मैंने कभी ऐसी नॉनसेंस बकवास बातें नहीं सुनी। What have old ivy leaves to do with your getting well? कहते हैं ये जो ivy की जो पत्तियां हैं, leaves हैं, इससे तुम्हारे ठीक होने का क्या लेना देना है? क्या कॉम्बिनेशन है इन पत्तियों का तुम्हारी रिकवरी से? And you used to love that wine so? और कहते हैं तुम्हें जो है ये wine की जो बेल है, तुम्हें इससे प्यार है? You naughty girl, तुम शैतान लड़की, तो उसको धमकाती है इस प्रकार की वो बातें कर रही है। Don't you be goosey. गुस्सी में क्या होता है बेटा? बेवकूफ, स्टूपिड। कहते हैं स्टूपिड मत बनो। Why the doctor told me this morning that your chances for getting well real soon? सुबह डॉक्टर ने नहीं कहा था कि तुम्हारे जो रिकवरी का जो चांसेस है वो क्या है? अच्छे हैं। Let's see exactly what he said. लो मैं तुम बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। He said that the chances were 10 to 1, है ना? 10 में से 1% चांसेस तुम्हारे ठीक होने के। Why that's almost as good a chance as we have in New York when we ride on the स्वीट कार्स और वॉक फास्ट एंड न्यू बिल्डिंग। कहते हैं कि दैट ऑलमोस्ट अ गुड चांस, ये हमारे लिए बहुत अच्छा गुड चांस है। वी हैव इन न्यूयॉर्क, हम कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। व्हेन वी राइड, जब हम राइड करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रीट कार वॉक पास एंड न्यू बिल्डिंग, जो जो न्यू बिल्डिंग है उससे हम लोग जब गुजरेंगे, ट्राई टू मेक सम ब्रूथ नाउ। ऐसा करो, तुम छोड़ो इन सब बातों को, हम वहां घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन अब तुम ऐसा करो, ब्रूथ, ब्रूथ मीन्स क्या होता है बेटा? सूप। इट इज अ काइंड ऑफ सूप, सूप ले लो। एंड लेट जूडी गो बैक टू हर ड्रॉइंग सो सी कैन सेल इनटू द एडिटर एंड टू बाय पोर्ट वाइन फॉर अ सिक चाइल्ड। तो वो कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम तो सूप पियो और मैं अपने जो ड्रॉइंग वाला जो मेरा वर्क है उसमें वापस जाती हूँ, ड्रॉइंग अच्छी तैयार हो जाती है तो मैं फिर एडिटर को जो है वो बेच दूंगी इसको, है ना, और फिर जो पैसे मिलेंगे उसके लिए मैं तुम्हारे लिए पोर्ट वाइन खरीदूंगी। दिस इज अ टाइप ऑफ ड्रिंक वाइन। एंड पॉप शूप्स फॉर द बेबी सेल, और मैं ये क्या खरीदूंगी? पॉप चॉप्स। पॉप चॉप्स मींस क्या होता है? सुअर का जो है मांस, उसको पॉप चॉप्स कहते हैं। यू नीडंट गेट एनी मोर वाइन, सेड जोसी। जोसी कहती है कि और तुम्हें वाइन जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। कीपिंग हर आईज फिक्स्ड आउट ऑफ द विंडो, उसकी आंख अभी भी किस तरफ है बेटा? विंडो की तरफ। दिस गोन अनदर, कहती है लो नेक्स्ट जो लीव्स है वो भी गिर गई। नो आई डोंट वांट एनी ब्रूथ, कहते नहीं मुझे और ब्रूथ की जरूरत नहीं है। ब्रूथ अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? शू, ठीक है। दैट लीव जस्ट फोर, अब कितनी बच रही है? केवल ओनली फोर लीव्स। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, कहते हैं कि मैं उस आखिरी पत्ती को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ, अंधेरा होने से पहले जो आखिरी लीव्स बची है उसको भी मैं गिरते हुए देखना चाहती हूं। देन आई विल गो टू, फिर मैं भी चली जाऊंगी, मतलब आई एम ऑल्सो विल डाई। ओके, जोसी डियर सेड्स यू बेंडिंग ओवर हर, उसके पास में झुकते हुए बोलती है, विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आईज क्लोज्ड, क्या तुम मेरे से वादा कर देगी तो अपनी आंखें बंद कर लोगी, मतलब सो जाओगी? Not look out of the window until I am done working. जब तक मैं अपना काम फिनिश ना कर लू, प्लीज डोंट लुक आउटसाइड, बाहर मत देखो। तुम जितना बाहर देखोगी उतना ज्यादा तुम वरीड होगी, चिंतित होगी, है ना, और फिर तुम ज्यादा डिप्रेस्ड होगी। आई मस्ट हैंड दोज ड्रॉइंग्स इन बाय टुमारो, मुझे ये ड्रॉइंग्स कल तक देनी है उन्हें। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट की जरूरत है। आई वुड ड्रॉ द शेड डाउन, इसीलिए जो पढ़ते हैं कर्टेंस इनको मैंने क्या किया है? बंद कर दिया है, सॉरी खोल दिया है। क्यों? क्योंकि उठा दिया इन पर्दों को मैंने। क्यों? मुझे लाइट की जरूरत है अपनी ड्राइंग के लिए, अदरवाइज मैं इनको बंद कर देती, तुम बाहर नहीं देख पाती फिर। कुडंट यू ड्रो इन द अदर रूम, कहते क्या तुम ये जो ड्रॉइंग है वो दूसरे रूम में नहीं कर सकती हो? आज जोनसी जोनसी है ना, जोनसी से वो पूछती है। आई वुड रादर बी हेयर बाय यू, कहते यहां इस रूम में मैं तुम्हारे लिए हूं। सेड यू डिसाइड आई डोंट वांट टू कीप लुकिंग एट दोस सिली आईवी लीव्स, कहते मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती ये तुम सिली जो आईवी लीव्स देख रही हो इनको देखते रहो। टेल मी एज सून एज यू फिनिश्ड, सेड जॉन्स। अब जॉन्स ही बोलती है मुझे तुम बता दो कि तुम अपनी जो ड्रॉइंग का काम है वो कब तक फिनिश करती। Closing her eyes and lying white and still as a fallen statue.
अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लेती है और एक स्टैचू की तरह, स्टैचू आप जानते हो जो हिल विल नहीं सकता, उसी तरह लेट जाती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम ट्राइड ऑफ टायर्ड ऑफ वेटिंग, में इंतजार करते करते थक गई। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, में सोचते सोचते भी थक गई कि कब वो पत्ती लास्ट गिरी। आई वॉन्ट टू टर्न लूज माई होल्ड ऑन एवरीथिंग, ऑन सेलिंग डाउन डाउन। कहते हैं कि अब मैंने सब चीजों के ऊपर से अपना जो नियंत्रण कंट्रोल है वो मैं खो चुकी हूँ। जस्ट लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, जैसे कि बेचारी ये थकी हुई पत्तियां हैं इसकी तरफ। तो आपने यहां तक देखा बेटा, एक्चुअली क्या था कि जोनसी हैज किस चीज की उसके अंदर थी बेटा, वो साइकोलॉजिकल जो है वो उसने अपना ये माइंड अपना बिल्डअप कर लिया था, मन के अंदर एक बात उसने ये डाल ली थी कि जब ये लास्ट लीव गिर जाएगी उसी दिन वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन की जो फीलिंग्स है, एक्चुअली क्या होता है कि उसकी जो एज थी वो टीनेजर्स एज थी, एंड द मोस्टली इट इज अ कॉमन डिजीज अमंग टीनेजर्स। जो टीनेजर्स होते हैं उनके अंदर डिप्रेशन की जो भावना होती है, अकेलेपन की जो भावना होती है, उसके कारण वो अपनी चीजों को किसी ना किसी चीज से कोरिलेट कर लेते हैं। तो अपनी जो डिप्रेशन की जो अकेले वो रहती थी उसको उसने किससे कोरिलेट कर दिया, उसने उस लीव से कर दिया। लीव की पत्तियां जैसे जैसे गिरेगी, जिस लास्ट लीव गिरेगी है ना, उसी दिन शी विल डाई, उस दिन वो भी मर जाएगी। तो ये जो बातें होती है ये अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अगर ऐसी कोई डिप्रेशन की भावना हमारे अंदर आती भी है तो हमें वो शेयरिंग करनी चाहिए, है ना। तो शेयरिंग करने से क्या होता है कि हमें उसको सोल्यूशन मिलेगा, हमारे अंदर जो डिप्रेशन की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। नेगेटिव जो थिंकिंग हमारे दिमाग में आ रही है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, हम अपना वर्क अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमने अपना लेसन किया है, जो आगे जो लेसन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आपने इसी जो वर्ड मीनिंग्स है वो आपने लर्न करनी है। ओके, और इसकी वर्ड मीनिंग लिख भी लीजिएगा आप लोग, और जहां तक हमने लेसन पढ़ा है इसे आप दोबारा से रीड कीजिए और समझिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।